हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि लिंक्ड लिस्ट पर है। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है पहले वो समझते हैं। तो हमें एक सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट गिवन है और लिंक्ड लिस्ट हमारा सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। हमें सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट गिवन है, हमको सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट को डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए हमारा सिंपल टेस्ट केस है वन वन 5 7 7 10। तो ये हमारा इनपुट लिंक लिस्ट का है, ठीक है। ये हमें लिंक लिस्ट के इनपुट में मिलेगा। हमको ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि इस लिस्ट में से जितने डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा। तो उस फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हमारा लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे वन डिलीट, वन दो बार है तो एक ही वन रहेगा, फिर एक ही फाइव रहेगा, देन एक ही सेवन रहेगा, और सेवन के बाद सिर्फ एक ही टेन रहेगा, ठीक है। मतलब अगर कहा जाए तो जितने डुप्लीकेट एलिमेंट हमारे लिस्ट में वो डिलीट हो जाए, और जितने सिर्फ डुप्लीकेट एलिमेंट जितने लिस्ट में वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो आइए इस कोड को हम देखने जाते हैं, देखेंगे कि हम कैसे इसका कोड करेंगे। तो सबसे पहले अभी कोई भी लिंक लिस्ट हमें गिवन नहीं है, हमको पहले लिस्ट क्रिएट करना होगा। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमको पता है मेमोरी लोकेशन करना होगा। तो मेमोरी लोकेशन करने के लिए हेडर फाइल होता है stdlib.h। अब हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट नोड। अब हमको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना होगा, ठीक है। और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को ही कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो सी लैंग्वेज में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हैं स्ट्रक्चर कीवर्ड के हेल्प से। तो इस जो एक नोड है ना, उस नोड में दो एड्रेस होना चाहिए, सॉरी नॉट एड्रेस, दो मेंबर वेरिएबल होने चाहिए। एक तो डेटा स्टोर करेगा, एक हमारा एड्रेस स्टोर करेगा अगले नोड का। तो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए किस टाइप का पॉइंटर होना चाहिए? पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप की मेमोरी लोकेशन, उसी टाइप के वेरिएबल को करता है पॉइंट। तो हमको नोड टाइप का स्ट्रक्चर, नोड टाइप का एड्रेस को, नोड टाइप का जो मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट करेंगे उसी का एड्रेस स्टोर कराना होगा, इसीलिए हमको नोड टाइप का ही पॉइंटर बनाना होगा। तो हम स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट लिखे, ठीक है, वो पॉइंटर यही है। अब हम फंक्शन लिखेंगे इंसर्ट एट, आप इंसर्शन एट फर्स्ट कर लीजिए या फिर एंड में कर लीजिए, ठीक है। बस हमको नोड क्रिएट करना है, लिस्ट क्रिएट करना है। इंसर्ट एट फर्स्ट, इसमें आर्ग्यूमेंट है हमारा 78, नॉट 78, 1, और एड्रेस ऑफ स्टार्ट। तो हमको एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है, स्टार्ट नाम का, और वो नल पॉइंटर होगा। उसका डेटा टाइप हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्ट नोड, नोड एस्ट्रिक स्टार्ट, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू उसका होगा नल। अभी फंक्शन को हम कॉल किए, एक और फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट एट स्टार्ट, इसमें वन पास कर दिए, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर दिए, फिर से इस फंक्शन को कॉल किए, कुछ और वैल्यू दे दिया 9, एड्रेस ऑफ स्टार्ट, ठीक है। अभी तीन ही नोड पे काम करते हैं, उसके बाद ट्रैवर्स फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। ट्रैवर्स फंक्शन लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा, क्योंकि जो भी डिलीशन होगा या फिर इंसर्शन होगा हमको कैसे पता चलेगा? जब तक हम उसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे, हर नोड को बारी बारी से रिट्रीव नहीं करेंगे, तो हमको समझ नहीं है इंसर्शन हुआ है कि डिलीशन हुआ, ठीक। अब इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड इंसर्ट एट फर्स्ट का। फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, बस इंसर्शन कर रहा है स्टार्टिंग में। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? एक तो हम इसमें डेटा पास कर रहे हैं, तो उसको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। दूसरा है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए, ठीक है। अब हम एक मेमोरी लोकेशन करेंगे, क्योंकि हमको इंसर्ट कराने के लिए नोड क्रिएट करना होगा। तो नोड क्रिएट करने के लिए हमारा सिंटैक्स होता है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी असाइन, मैलॉक फंक्शन के हेल्प से हम करते हैं, और मैलॉक फंक्शन वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो उसको टाइप कास्ट हम कर लेते हैं ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मैलॉक, मैलॉक यूज होता है मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। अब बी के डेटा पार्ट में क्या आ जाए?
बी के डेटा में आ जाए, डेटा जो आ रहा है हमारे फंक्शन में, बी के नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाए, नल आना चाहिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ऐड हो रहा है, तो उसमें आ जाए एस्ट्रिक ऑफ ए, ये हमेशा चलेगा। अगर एक नोड है तब भी यही काम हमको करना, अगर एक से ज्यादा नोड है तब भी यही काम करना है। ठीक, हो गया हमारा इंसर्शन, और इंसर्शन हो जाने के बाद स्ट्रिक ए में चेंज आ जाए। ठीक है, अभी स्टार्ट इसको करने लगेगा पॉइंट। अब हम ट्रैवर्स फंक्शन को कर लेते हैं, वॉइड ट्रैवर्स, इसमें हम एक एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसको हम पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। अब हम रिकर्सिव कोड लिखेंगे, अगर ए नल हो गया ना, ये बेस केस, अगर ए नल हो गया उस केस में कुछ नहीं करना है, रिटर्न हो जाना है, और अगर ऐसा नहीं है, एल्स पार्ट में आए, एल्स पार्ट में हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए एरो डेटा, हर नोड का डेटा प्रिंट कर दो, उसके बाद हम ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करके ए एरो नेक्स्ट, अगले नोड का एड्रेस हम पास कर देंगे। ठीक है, ये इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, कोमा छूट गया है क्या? ठीक है, तो हमारा इंसर्शन कंप्लीटेड है। ठीक है, अब हमको कोड लिखना है जिसमें कि हम करेंगे डिलीट। तो ट्रैवर्स फंक्शन के कॉल हो जाने के बाद लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, एक फंक्शन कॉल करते हैं डिलीट डुप्लीकेट नाम से, डिलीट डुप्लीकेट नोड। ठीक है, इसमें हम पास करेंगे पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर का एड्रेस। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन से, और इसमें पॉइंटर पास कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लिखने जा रहे हैं, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम क्या कोड लिखेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पास कर रहे हैं, इसमें एड्रेस पास कर रहे हैं, तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रिक ए। अब हम कंडीशन लगाते हैं, अगर ऐसा भी तो हो सकता है एक ही नोड हो, ऐसा भी हो सकता है एक भी नोड नहीं हो, तो ये दो तो केस हमको चेक करना होगा। तो हम उसके लिए लिखते हैं, अगर ए नल है, ठीक, मतलब एक भी नोड नहीं है, और ए के स्मॉल ए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए में चेंजेस होंगे। ठीक, ए के अगर नेक्स्ट में नल है ना, उस केस में हमको कुछ नहीं करना है, उस केस में हमको रिटर्न चला देना है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में लिखेंगे हम, एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी में क्या आ जाए, अगले नोड का एड्रेस ए आर ओ नेक्स्ट। ठीक है, अब हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल लूप, वाइल बी नॉट इक्वल टू नल, जब तक बी में नल नहीं आ जाए, एंड ए में नल नहीं आ जाए। ठीक, ए नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अब इस लूप में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो अगर कंडीशन चेक करते हैं, अगर इक्वल होगा दो नोड का डाटा, तो उस केस में हमको फिल करना है, तो बार बार ये लूप चलेगा और यही कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर ए आर ओ डेटा नॉट डिलीट नोड, अगर ए पहले नोड का डेटा जो है वो बराबर हो गया बी के डेटा का, उस केस में हमको कुछ टास्क परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, हमको ये समझ में आ गया कि बी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको फ्री कराना है, तो फ्री कराने के बाद, फ्री कराने से पहले हमको ए के पहले नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आना चाहिए, अगले नोड का एड्रेस। जिस नोड को हम फ्री कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या होगा, अगले नोड का एड्रेस, तो ए के नेक्स्ट में उसी को असाइन करना होगा, तो बी एरो नेक्स्ट। ठीक, उसके बाद फ्री कर देंगे बी वाले पॉइंटर को, अब बी में अपडेट कर देना है, बी में क्या आ जाए, बी एरो नॉट बी एरो, बी में आ जाए ए एरो नेक्स्ट। ठीक है, बी एरो नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हम फ्री फंक्शन को कॉल कर लिए, अब वो एड्रेस पे जो मेमोरी था वो डिलीट हो गया। और अगर हम बी में असाइन कर देंगे बी आर ओ नेक्स्ट, तो वो हो जाएगा हम किसी इलीगल मेमोरी को एक्सेस करने जा रहे हैं, तो उस केस में आ जाएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट, ठीक है, कोड डंप, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है, इक्वल नहीं है, तो सिंपली हमको ट्रैवर्स करते चलना है। इक्वल होगा तभी हमको कोई चेंजेस करना, और इक्वल नहीं होगा तो उस केस में कुछ नहीं, हमको सिंपली हमारे पॉइंटर को आगे इंक्रीमेंट करके, इंक्रीमेंट कर लीजिए या फिर एड्रेस में अपडेट करते करते चले जाएंगे, ठीक है। हो गया हमारा इतना सा ही कोड है, आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तीन नोड था, वेट 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 वेट, तो इंसर्शन एट फर्स्ट करना है ना सॉर्टेड में, तो ये अनसॉर्टेड है, 9 डबल, तो सॉर्टेड करने के लिए इसमें 9 पास किए, इसमें 1 पास किए, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो हमारा नोड बना 119 और डिलीट हो जाने के बाद बचा 19, ठीक है। अब हम फिर से इंसर्शन और इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्शन में आ जाए 80 यानी तो 23, एड्रेस ऑफ स्टार्ट, इंसर्ट एट फर्स्ट 23, एड्रेस ऑफ स्टार्ट, एड्रेस ऑफ स्टार्ट इंसर्ट एट फर्स्ट में भी 90 पास की और एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर दी, ठीक है। तो कितने नोड है अभी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आइए इसको रन करके आउटपुट इसका देखते हैं, कुछ इंसर्शन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बट इट्स ओके, हमें डिलीशन देखना था ना। 90 90 दो बार है तो 190 आया, 23 दो बार 23 आया, दो 1 है तो 1 आया, और 9 सिंपली 1 बार आया, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया, ठीक है। और अगर इस चीज को हम इंसर्शन एट लास्ट करके चेक करें तो क्या आउटपुट आएगा, इंसर्ट एट लास्ट नाम का फंक्शन हम कॉल किए, 1 पास किए और एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर दिए, ठीक है। अब आइए इस कोड को हम पहले लिख लेते हैं, इंसर्शन एट लास्ट कैसे होगा। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा, इंसर्ट एट लास्ट फंक्शन को जो हम कॉल किए ना, इसमें हम एक तो डेटा पास कर रहे हैं, ठीक, इंट डेटा और स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक के, ठीक है। तो ये कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक, कोड को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर एस्ट्रिक ए नल है, मतलब एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाए, एस्ट्रिक ए में आ जाए बी, ठीक, और एल्स पार्ट में हमको एक लूप चलाना होगा, उसके लिए पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि हमको लिस्ट में ट्रैवर्स करना है। एस्ट्रिक बी असाइन एस्ट्रिक ऑफ ए, एस्ट्रिक बी करेंगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग एरर आ जाएगा, ठीक है। दो वेरिएबल एक नाम का नहीं हो सकता। अब लूप चलाएंगे, व्हाइल सी एरो नेक्स्ट, वेट वेट, तक सी के नेक्स्ट में नल ना आ जाए तब तक ये लूप चला दो, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। सी में आ जाए सी एरो नेक्स्ट, ठीक है। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, बी के नेक्स्ट में आ जाए क्या, सी एरो नेक्स्ट, ठीक है। सी के नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाए, क्योंकि लास्ट में इंसर्ट हो रहा है ना, तो सी के नेक्स्ट में आ जाए बी, ठीक है। और पहले नल असाइन कर देते हैं, ठीक है ना,
बी के नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है, साइन कर देते हैं नल, नॉट नेक्स्ट, नल, ठीक है, नल, 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 तो ये जो नल है ना ये इफ ब्लॉक में चेंज नहीं होगा, ये एल्स में चेंज होगा, ठीक है। तो जो इंसर्शन हुआ ये प्लेस को रन करके देखते हैं, इंसर्शन सही से हो गया, डिलीट डुप्लीकेट फंक्शन चला, अभी कोई भी डुप्लीकेट नहीं है इसलिए वन प्रिंट हो गया। अब फिर से इंसर्शन करते हैं, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अब इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट आप यूजर से ले लो या आप खुद से पास कर दो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि हमको तो फंक्शन का टेस्टिंग करना है ना कि वो फंक्शन अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे वन वन पास करते हैं, सारा कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में पास करके चेक करेंगे, ठीक है। टू एड्रेस ऑफ स्टार्ट, फिर से टू पास किए, एड्रेस ऑफ स्टार्ट, यहाँ पे 89 एड्रेस ऑफ स्टार्ट, फिर यहाँ पर हो गया, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं, क्या आउटपुट आया, 112289, ठीक है। और अगर हमको डुप्लीकेट एलिमेंट डिलीट हो गया तो एक वन बचा, एक टू बचा और एक 89 बचा, 89 तो एक ही था। अगर मान लीजिए सारा वन ही हो तो हर नोड वन हो तो उस केस में क्या इसका बिहेवियर है उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जित सारे डिलीट हो जाएंगे नोड और वन सिर्फ एक ही बचेगा, ठीक है। तो आउटपुट में तो पांच वन थे, डिलीट हो जाने के बाद सिर्फ एक ही वन बचा, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब हमने जो कोड लिखा वो बिल्कुल सही आई। एक बार कोड को अब हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं, हम कोड में क्या लिखे, हम ये चेक किए कि हम पहले नोड पे खड़े हैं, तो इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ओ ऑफ वन एन आएगा, ठीक है, क्योंकि हम सिंगल बार ही लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक। तो इफ में हम क्या कंडीशन लगाए, अगर ए का डेटा, ए अब जिस नोड को पॉइंट कर रहा है अगर उसका डेटा बी के डेटा के इक्वल हो गया, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो उस केस में हम बारी बारी से नोड फ्री करेंगे, तो हम सेकंड नोड को फ्री कर देंगे और पहले नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में किसका एड्रेस आएगा, अगले नोड का एड्रेस जिसको बी नाम का पॉइंटर पॉइंट कर, ठीक। अगर इफ कंडीशन ट्रू होता है तो ऐसा करो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि नोड इक्वल नहीं हो, डुप्लीकेट नहीं हो, तो उस केस में हमको क्या होगा, बारी बारी से हमको ट्रैवर्स करना होगा। अगर इक्वल है तो ये काम कर दो, अगर इक्वल नहीं है तो ये काम कर दो, ये हमारा कंडीशन, हमको कब तक ये काम करना है, ठीक है, जब तक बी में नल नहीं आ जाए और जब तक ए में नल नहीं आ जाए, ठीक है। इतना सा कोड है और ये हमारा एज केस, अगर एक भी नोड नहीं है तब रिटर्न हो जाओ, और एक ही नोड है तो एक ही नोड कैसे पता करें, जबकि एक नोड के नेक्स्ट में अगर नल है मतलब एक ही नोड है तो उस केस में भी रिटर्न हो जाओ, और अगर एक से ज्यादा नोड है तब ये एल्स पार्ट हमारा चलेगा। इतना सा कोड था जिसमें कि हम डिलीशन कर लिए या फिर रिमूव कर लिए डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, नहीं तो आप इस कोड को एक बार ड्राई रन कीजिए या फिर डिबग कर लीजिए यहीं पे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है, कैसे कंट्रोल हमारे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।